क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ के राणा प्रताप को दुनिया महाराणा प्रताप क्यों कहती है? मेवाड़ उत्तर भारत को पश्चिमी तट से जोड़ता था और यही कारण है कि अकबर के लिए बाकी पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए मेवाड़ जरूरी था। पर हल्दीघाटी और दिवेर के युद्ध के बाद अकबर को पता चल गया था कि महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र में नहीं हराया जा सकता। इसीलिए उन्होंने भगवान दास, टोडरमल और मानसिंह जैसे हिंदू राजाओं से प्रस्ताव पहुंचाया कि आप आधा हिंदुस्तान रख लो, बस मेवाड़ हमें दे दो। लेकिन महाराणा प्रताप को जंगल में घास की रोटी खाना मंजूर था, पर मेवाड़ देना नहीं। अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना से 5 गुना बड़ी थी, परंतु महाराणा प्रताप युद्ध नीति में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने अपनी सेना में घोड़ों के आगे हाथी की नकली सूंड लगाई। ये देखकर दुश्मन सेना के हाथी भ्रमित हो गए। दरअसल हाथी अपने बच्चों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इसीलिए मुगल सेना के हाथियों ने इन घोड़ों को छोटे हाथी समझकर उन पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार महाराणा ने अकबर के सेना की कई हाथियों को मार गिराया। महाराणा के पास एक राम प्रसाद नाम का हाथी था, जिसको अकबर ने युद्ध में बंदी बना लिया और उसका नाम पीर रख दिया। 22 दिन के कैद में रहने के बावजूद राम प्रसाद ने अकबर का दिया हुआ एक भी दाना नहीं खाया और अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रभावित होकर अकबर ने अपने दरबार में कहा, जिसका हाथी भी मेरे आगे नहीं झुका, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। इसके बाद अकबर ने पूर्वी भारत के तट से व्यापार करना शुरू कर दिया और मेवाड़ पर आक्रमण करना बंद कर दिया। जिस अकबर ने लगभग पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था, वो राजस्थान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ को नहीं जीत पाया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली वीरता है। आप सभी को महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।